Hello everyone, welcome to my channel. This video is for the students preparing for the NEET exam, and this video is to apply your NCERT knowledge in MCQs based on NCERT. क्योंकि हमें एग्जाम से पहले 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं. सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दिस इज चैप्टर नंबर वन. इसकी आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाएंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर सेड टू बी इमॉर्टल बिकॉज दे ग्रो इनडेफिनेटली इन साइज. नो. दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. नो. दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. नो. दे कॉन्टिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल्स. इस वजह से ये इमॉर्टल है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये ध्यान देंगे कि हमें करेक्ट है पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में. नंबर वन, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज हैव एक्जैक्टली द सेम लाइफ स्पैन. नहीं, अलग होता है. स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड वाइस वर्सा. तो ये भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ. दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following has the longest life span? So we know banyan tree 200 years hota hai. So this one is correct. Select the option which arranges the given organism in ascending order. Mein aapko life span ke lagana hai. So fruit fly we know 40 to 50 days. Crocodile 60 years. Parrot 140 years and banyan tree 200 years. This is the correct option. Identify the given organism and find its maximum life span. So this is crow 15 years. This one is the correct. Then read the statements about the reproduction and select the incorrect one. It is the biological process in which हमें incorrect ढूंढना है. It is the biological process in which organism give rise to young ones. Correct. It enables the continuity of the species. Correct. It produces the genetic variation in organism. Correct. It maintains population of the young and adult persons only. This is incorrect. Come to question number 7. Dash is a life process which is not essential for individual survival but also for the species, survival of the species. So survival of the species ke liye to aapka reproduction is the correct answer. Come to asexual reproduction question answers. Question number 8. Read the following statements about the asexual reproduction and select the correct option. करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है. इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट. एसेक्सुअल करेक्ट है. इट इज स्लोवर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नहीं, फास्टर होता है, यानी ये गलत है. इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी एट द जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद वन अनदर. गलत है क्योंकि आपस में भी ये एक जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. द प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड एज क्लोन. इट इज करेक्ट. तो फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज करेक्ट. रिफर टू द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो ये आपका ईस्ट की बडिंग का दिखा रहा है. तो इट इज अ टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. नो. इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. करेक्ट. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोन. तो बी एंड सी. डी वन इज करेक्ट. क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एक्जैक्टली द सेम जेनेटिक मेकअप. क्लोन्स का जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपस में सेम होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया. वी नो बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्लोन बनते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ द किंगडम ऑफ पोनेरा में भी पाया जाता है, प्लांटे में, एनिमेलिया, सब में होता है. ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन, क्वेश्चन नंबर 13. ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज डुप्लीकेटेड. हम जानते हैं न्यूक्लियस इलोंगेट करता है फिर डिवाइड होता है. देन स्टडी द गिवन फिगर्स रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. तो सीक्वेंस आपको पता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म नंबर 5, देन थोड़ा सा इलोंगेट होगा, फिर न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, फिर थोड़ा सा इसमें डिमार्केशन होगा, देन दे कैन बी डिवाइडेड फाइनली. तो दिस वन इज द करेक्ट वन. ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ये आपको मतलब का नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 16. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. नंबर 1, अमीबा एंड पैरामीशन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. करेक्ट है. बर्ड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी. करेक्ट है. इंसिस्टेशन रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्ड. नहीं, ये गलत है क्योंकि थ्री लेयर्ड होता है. तो दिस इज द इनकरेक्ट वन. कम टू क्वेश्चन नंबर 17. इट रिफर्स टू द गिवन फिगर. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पता करना है. तो करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी रिप्रोड्यूस बाय बडिंग दैट इंक्लूड्स न्यूक्लियर डिवीजन ओनली. सी एंड डी. नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी है, बडिंग के थ्रू भी हो सकता है. ऑल ऑफ दिस रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस इज द करेक्ट वन. ये बिल्कुल करेक्ट है. इन सब, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं. देन स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज. तो इसमें हम देखते हैं हमें क्या करना है. हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ए शोज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस थ्रू इंटरनल बर्ड्स. इसके बारे में
ये करेक्ट है। बी शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये गलत है। सी शोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ये इसमें कोनिडिया फॉर्म होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू नहीं होता, स्पोर बनता है। दिस इज इनकरेक्ट। इट मीन्स द एंड दी एक्सटर्नल बडिंग इन सैकोन, एक्सटर्नल बडिंग इट इज करेक्ट। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सही है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि एंथ्रेजॉइड तो नहीं है। मान लीजिए हम ट्यूरियन के बारे में नहीं भी जानते तो भी हमें पता है कि एंथ्रेजॉइड तो नहीं हो सकता है, ठीक है। एंथ्रेजॉइड इज इक्विवेलेंट टू स्पर्म। देन दिस प्लांट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप एंड बिकम नोटोरियस वीड इन इंडियन वॉटर। तो आपको पता है कि दिस पिक्चर इज गिवन इन एनसीईआरटी ऑफसेट ऑफ वॉटर हाइसिंथ। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप आ जाए, रीड अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल के लिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। टेरर ऑफ बंगाल को इकॉर्निया भी बोलते हैं, एल्गी ठीक है। इकॉर्निया इंट्रोड्यूस ड्यू टू द एस्थेटिक वैल्यू, इट इज नॉट एल्गी, ये एल्गी नहीं है, ठीक है। और इकॉर्निया वॉज इंट्रोड्यूस, ये वीड है ना, तो इकॉर्निया वॉज ऑल्सो इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू, देखने में सुंदर था इसलिए, ड्रेन वाटर। तो दिस इज सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, दिस नंबर सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22 में आप आ जाए, 22 मैच द फॉलोइंग। तो स्पंज जो है आपको पता है स्पंज में जेम्यूल्स होते हैं, तो नंबर थर्ड किसका है, दो ऑप्शन में आपको मिल गया नंबर थर्ड। देन ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग होती है, थ्री एंड फोर, तो दिस वन इज करेक्ट, ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट आंसर। मैनी प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड वेजिटेबली इवन थ्रू देयर बीड्स। हाँ ठीक है, बहुत सीड होता है, लेकिन अगर जैसे आप स्टेम कटिंग करते हैं तो भी वो काम करता है। देन स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय रूट ट्यूबर, ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लांट्स इन विच न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम द सेम ऑर्गन। तो सेम ऑर्गन से आपका ये है पोटैटो एंड शुगर, बोथ आर स्टेम, ठीक है। तो इन दोनों से ही आपका उसी से प्लांटलेट अराइज हो जाता है। फिगर ये एक्स जो है वो क्या है, आईज है, ये हम लोग कर चुके हैं। देन फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन शेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। ये बल्बिल होता है, बल्बिल जो है फ्लेशी बर्ड्स होती है लीव्स एक्सिल में, और जब ड्रॉप डाउन हो जाती है सोयल में तो फिर नया प्लांट निकल आता है। देन वेजिटेटिव अकर्स एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एडवेंटिशियस बर्ड। तो ये आपका ब्रायोफिलम है, है ना। इसके बाद आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। 28 आपका आ गया, इन विच ऑफ द वन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड बाय लीफ पीसेस। तो दो ऑप्शन है, ब्रायोफिलम तो है ही है, लेकिन इसमें एस्पेरेगस है, इसमें कैलेंचुई है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर है, लेकिन आप कम टू क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट वन। कोनिडिया एसेक्सुअल प्रोपेगेशन रिस्ट्रिक्टेड टू किंगडम फंजाई, ठीक है। पोटैटो और पीस ट्यूबर एटलीस्ट वन पेयर ऑफ नाइन, ठीक है। जिंजर प्रोपेगेट वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड रूट, जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये आपका इनकरेक्ट है और बाकी सारे सही है। देन आइडेंटिफाई फ्लशी बर्ड्स विद अगेव एंड डायस्कोरिया, तो आपको एक नया भी मिल रहा है, अगेव बल्बिल होता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने। ये देखिए, आपने ये डायग्राम एनसीईआरटी में देखा है, ये अगेव और बल्बिल है, डायग्राम सीधा तुरंत पता चल जाएगा। अगेव इफ अ लीफ ऑफ सेल ऑफ अगेव इज एक्स क्रोमोसोम, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल ऑफ इट्स बल्बिल। तो बल्बिल भी आपका फ्रूट ही है, एडवेंटिशियस बड ही है, तो सेम ही वो रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई जेड में बता दीजिए, तो एक्स वाई जेड देखो वाई तो बर्ड्स हैं, साफ दिख रहा है वाई जो है वो बर्ड है, तो अगर वाई बर्ड है तो दिस वन इज एक्स आर नोड्स एंड जेड आर एडवेंटिशियस रूट्स, ये वाला आपका करेक्ट है। देन कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आप आ जाए, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मिसमैच जो है आपका ये हो जाएगा, क्लेमेडोमोनस एंड यूलोथ्रिक्स जो है स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं, किसमें जू स्पोर बनता है, हमें पता है कि क्लेमेडोमोनस में जू स्पोर बनता है, ठीक है ना। अगेव ऑक्सैलिस बल्बिल कर सकते हैं, अमीबा पेरेंशियम ठीक है, एडियंटम कॉर्डेटम मान लीजिए हम नहीं भी जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि क्लेमेडोमोनस जो है वो जू स्पोर्स परफॉर्म करता है। देन कम टू द कैन नॉट सर्व एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेट, ये नहीं यूज होता है, जैसे कि पीस ऑफ टेरर ठीक है, पीस ऑफ जिंजर ये भी होता है, मार्जिनल पीस ये भी होता है, लेकिन मिडिल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, मिडिल पीस नहीं होता, इंटरनोड को नोड को यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज एन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन। तो ये थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट है इसका, तो इसमें आप कर सकते हैं कि
ये जो है नेचुरल मेथड में कटिंग नहीं, टिश्यू कल्चर, राइजोम भी नहीं है क्योंकि इसमें ट्यूबर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लेयरिंग एंड बल्बिल इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। देन इसके बाद रिप्रोडक्शन एंड करेक्ट आंसर पोटैटो, पोटैटो जो है आपको पता है स्टेम ट्यूबर है, एंड स्पायर वगैरह आपको पता है, स्पायर वगैरह नहीं पता तो रोज तो पता ही है स्टेम कटिंग है, तो देख लीजिए ए का फोर, ए का फोर एंड बी का आपका ए का आपका फोर हो गया, दो ऑप्शन है ए के फोर में, और बी बी के ऑप्शन में सॉरी सी के ऑप्शन में जिसका कि थर्ड हो, सी का ऑप्शन जिसका कि थर्ड हो, नहीं सी का ऑप्शन जिसका कि सेकंड हो, तो दिस वन इज द करेक्ट। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एल्गी एंड फंजाई, तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाए, द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज, यूनिपेरेंटल किस में होता है, ए सेक्सुअल में, एंड द बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज सेक्सुअल एंड हायर ऑर्गेनिज्म मोस्टली शोज सेक्सुअल, तो दिस वन इज करेक्ट 39। नंबर 40 में आप आ जाए, 40 क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई एडवर्स सेक्सुअल ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस ऑल ऑफ दिस, दे विच वन इज करेक्ट, नंबर सी, क्योंकि वेरिएशन, और आप जानते हैं वेरिएशन जो है वो मजबूती बनाता है, हाइब्रिड विगर बनाता है, तो दैट्स वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑनसेट ऑफ ये हो जाता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिशियल देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट असिस्ट इन इवोल्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग वेरिएशन, फॉर द ग्रोथ फेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी इज रिफर्ड एज, ग्रोथ फेज सेक्सुअल मेच्योरिटी के पहले वो जुविनाइल फेज होती है और प्लांट में से वेजिटेटिव फेज, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट, आप यह ध्यान रखिए कि मोनोकार्पिक प्लांट वो होता है जो फ्लावर वंस इन अ लाइफ, तो ऐसा कौन है, हमने पढ़ा था बैम्बू, बैम्बू स्पीसीज हमने पढ़ा था कि आफ्टर 50 to 100 ईयर्स एक बार फ्लारिंग करता है और डाई हो जाता है। देन क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट फेसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन पेरिनियल, ये एनसीईआरटी में है। स्ट्रोबिलस कुंथियाना फ्लावर वंस इन एवरी 12 ईयर्स, लास्ट आपका 2006 में हुआ था। कम टू क्वेश्चन नंबर 46, स्ट्रोबिलस कुंथियाना डिफर्ड इन बेम्बू इन लेंथ ऑफ जुविनाइल फेज देन जुविनाइल फेज, क्योंकि वो फ्लावर इन 12 ईयर्स करता है स्ट्रोबिलस, और जबकि बेम्बू जो है वो आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ऑस्ट्रिच साइकिल इज रिपोर्टेड इन काउज एंड शीप, हमें पता है शोज मेंसल साइकिल, जितने भी हैं जितने प्राइमेट्स हैं सब प्राइमेट है, तो ऑल ऑफ दीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें करेक्ट वन पता लगाना है। तो ऑस्ट्रिच साइकिल अगर इन प्राइमेट एनिमल्स, गलत है नॉन प्राइमेट में, इन स्पीशीज ऑस्ट्रिच साइकिल फीमेल जनरली सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग ऑस्ट्रिच फेज, तो ये करेक्ट है आपका। फिर इसमें आ जाइए क्वेश्चन नंबर देन सेम क्वेश्चन अनदर ऑप्शन, बोथ द साइकल्स शो मंथली रिकरेंस, दिस इज द मंथली रिकरेंस ऑस्ट्रिच में नहीं होता है, तो दिस इज द सेकंड वन आंसर। और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, तो कॉन्टिन्यूस दो में है। देन एग्जाम्पल आर दोज विच शो रिकरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, तो एग्जाम्पल मैन करेक्ट है, यानी हमारा यही करेक्ट है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, सेक्सुअली एक्टिविटी जो होते हैं दैट इज आपका सीजनल हो गया, द एग्जाम्पल टाइगर, ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। सेनेसेंट फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय स्लो मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज इम्यूनिटी एंड सेसेशन, ठीक है, दिस ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। विच इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, तो मेरे ख्याल से तीनों ही इवेंट होते हैं, और सीक्वेंस क्या है 1 2 3, सही लगा हुआ है ये जो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, ये देखिए ये डायग्राम बने हुए हैं, तो आपने ये देखा हुआ है कि दिस इज नंबर वन डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगेमी एंड गिव्स करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस, तो दिस वन इज आपका दिया हुआ है क्लेडोफोरा एंड दिस वन इज योर होमोसेपियन दिया हुआ एनसीईआरटी में। नाउ कम टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट, आइसोगैमी, ये क्वेश्चन है, पता है हमें ये पता है दिस इज ओगैमी, मैं ह्यूमन का दिया हुआ है एंड दिस इज ऑफ क्लेडोफोरा, आइसोगैमी, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 955 में आ जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द गैमेट, आइडेंटिफाई गैमेट करिए, तो ये कौन सा टाइम है, आइसोगैमेट है, ठीक है, तो आइसोगैमेट या होमोगैमेट कर सकते हैं, बोथ और करेक्ट, तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए नंबर टू होमोगैमेट नहीं है ना, आइसोगैमेट है, तो ये हेट्रोगैमेट है, ठीक है, ये भी हेट्रोगैमेट, सो आई थिंक डी इज करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 56, इफ अ फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड
वी नो इट इज होमोथैलिक मोनोशियस, दोनों एक में ही होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो उसे होमोथैलिक बोलते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ मार्केशिया एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई स्ट्रक्चर्स. तो एक्स जो है आपका फीमेल थैलस है और वाई जो है वो मेल थैलस है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस एंथ्रीजॉइड्स. एंथ्रीजॉइड्स जो है वो स्टेमन के बराबर है आपको, सो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर. तो कम टू क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन में आते हैं, रीड द स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, करेक्ट है. बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट्स हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नहीं, आपका मोनोशियस में बायसेक्सुअल और डायोशियस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, तो ये पता है हमें अर्थवॉर्म है और ये आपका यूनिसेक्सुअल, ये ठीक है, बायसेक्सुअल है, कारा है, ये आपका लीच हो गया, ये नीरिस है, तो नीरिस इज आपका जो है यूनिसेक्सुअल है. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाए हम लोग. अर्थवर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड ओनली होमोफोडाइट ऑर्गेनिजम्स. होमोफोडाइट आपका ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच एंड स्पंज, ये आपके जो हैं सारे के सारे क्या है, होमोफोडाइट यानी बायसेक्सुअल है. क्वेश्चन नंबर 62, अभी हमने पढ़ा है बायसेक्सुअल कौन है, अर्थवर्म, स्पंज एंड लीच, है ना. रिफर टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक्स जो है ये आपका है ओवरी, ठीक है. इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ कारा प्लांट क्यू एंड रिप्रोडक्टिव, तो ये हमें ये पता करना है कि दो डायग्राम्स हैं, इनमें से कौन कौन सा है. तो देखिए, ए तो है, हमने पढ़ा हुआ है, ए इज ओगोनियम और ये बी जो है वो मेल है, तो हमें पता करना है मेल का, तो बी इज मेल, ये हमें पता है. और यहां पर टेस्टिस जो है आपका 10 या 11 सेगमेंट में है, तो सी, तो बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है. स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल, कौन कौन सा इनकरेक्ट है. कुकरबिट कोकोनट मोनोशियस करेक्ट है, पपाया डेट पॉम डायोशियस करेक्ट है, लीच टेपवर्म जो है बायसेक्सुअल करेक्ट है, स्पंज एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल, ये आपका गलत है. मियोसिस, कम टू क्वेश्चन नंबर 66, मियोसिस डज नॉट अकर इन एसेक्सुअल, डज नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स, ठीक है. इसके बाद 67 क्वेश्चन में आ जाए. 67 जो क्वेश्चन है हमारा कि अ डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी प्रोड्यूसेस, डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड गैमेट ही प्रोड्यूस करेगी, बिल्कुल करेक्ट है. तो डिप्लॉइड, डिप्लॉइड तो हटी गया, हैप्लॉइड है. अ हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट, ये आपका डी सही है. दिस क्वेश्चन इज गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सबसे अफ्यूग्लॉसम आपको पता है. इन मेज मियोसाइट्स हैज 20 क्रोमोसोम्स. विच विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल. तो अगर मियोसाइट में है तो उसमें भी सोमेटिक सेल भी 20 ही होगा, है ना. इन अ बटरफ्लाई हैज अ क्रोमोसोम 360 इन इट्स मियोसाइट. व्हाट विल द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स गैमेट. तो गैमेट में तो आधा हो जाएगा. इट्स अगर 360 है तो हो जाएगा 180. कम टू क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है. क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट एंड इन गैमेट, तो देख लेते हैं. अनियन में तो 32 होता है, यानी ये गलत है, हमें पहले ही शुरू में ही मिल गया. देन कम टू 72, इन फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड नॉन मोटाइल एंड ब्रिंग देम टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशन. तो मेरे ख्याल से मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल है. द मेथड टुगेदर इट इज थ्रू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू, विंड, वाटर, सभी के थ्रू हो जाता है. देन 73, रीड दिस करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. इन प्लांट पी प्लांट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज इजी एंड इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स पॉलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस. तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट. डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल 74, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज पार्थिनोजेनेसिस, इनकरेक्ट. कम टू क्वेश्चन नंबर 75, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स ओनली. नहीं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं क्योंकि बाहर वाटर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो हमें शुरू में ही इसका आंसर मिल गया है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. कम टू क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म.
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हेन बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट द कंडीशन इज सेड टू बी मोनोशियस एंड प्रेजेंट इन कोकोनट बीड्स एंड कोकोनट सही है. व्हेन बोथ द मेल्स एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट कंडीशन इज द डायोशियस पपाया डेट पाम सही है. इन अर्थवॉर्म बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम ठीक है, ये बात तो सही है. लेकिन देयरफॉर द सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. तो दिस इज गुड क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर सकते हैं ताकि इसे आप बाद में रिवाइज कर सकें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसमें आपको 78 जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है. अर्थवॉर्म एंड लीच आर हर्मोफ्रोडाइट सही है. यंग वंस ऑफ स्लोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिसीव लिटिल और नो पेरेंटल केयर, बिल्कुल सही बात है. एंड इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इज थ्रोन आउट द बॉडी अलॉन्ग विद द लाइनिंग ऑफ यूट्रस मेंसल, ठीक है. एंड सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड एट नहीं प्यूबर्टी में नहीं बिफोर बर्थ भी हो जाते हैं. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. 79 जो है फॉलोइंग टेबल समरीज द डिफरेंसेज बिटवीन द सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन पिक अप द रॉन्ग डिफरेंसेज. तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो ये हमें इसमें रॉन्ग डिफरेंस को हमें पता करना है. तो रॉन्ग डिफरेंस में आपका जो 79 वाला क्वेश्चन है इसमें जो है हम देखते हैं कि यूनिपेरेंटल है, बायोपेरेंटल में होता है, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ द सेम पेरेंट, ठीक है. डिफरेंट पेरेंट में फ्यूजन होता है, सही है. नन ऑफ द एग्जांपल देख लेते हैं. तो हम देखते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर इन टीनिया, टीनिया सोले में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ये वाला ऑप्शन. कम टू क्वेश्चन नंबर 80. इन ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल होता है. लैक ऑफ मोटेलिटी इज एडवांटेज बिकॉज इस फैसिलिटेड लेस एक्सपेंडिचर, ठीक है. इट असिस्ट रैपिड डिवीजन ऑफ फीमेल गैमेट्स, ठीक है. एंड इट हेल्प द स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट फॉर रैपिड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका बी ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ए और सी दोनों करेक्ट हैं. रैपिड डिवीजन इससे कोई मतलब नहीं है. फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर. सरफेस वाटर यानी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन में. तो फ्यूकस हो गया आपका, मार्सीलिया, ब्रायफाइट, ये सारा आपके ब्रायफाइट्स हैं. तो ये ब्रायफाइट टेरिडोफाइट जितने भी होते हैं इन सबको वाटर चाहिए होता है. तो ऑल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 82 में आ जाइए. स्पायरोगैरा इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एल्गा इन विच वेजिटेटिव थैलस इज हैप्लॉइड. इन स्पायरोगैरा मियोसिस नेवर अकर्स, नहीं होता है. अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, नहीं, हैप्लॉइड है तो गैमेट कैसे बनेगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा ये, ठीक है. मैच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें हमको मैच करना है. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका किसमें होता है, बर्ड्स एंड फिशेज. इंटरनल बायोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल. तो बायोसेक्सुअल आपका कॉकरोच हो गया, यूनिसेक्सुअल आपका अर्थवर्म हो गया. तो देख लीजिए आर वन देख लीजिए दो में है, और एस टू देख लीजिए, आर वन एस टू दो में है, ठीक है. तो अब आगे चलिए, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग एंड फिशेस में होगा. तो ये दिस वन इज द करेक्ट, डी वन इज द करेक्ट. देन 84 जैगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड आफ्टर सिंगेमी अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स विच डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट. द ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 85 जैगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन द जेनरेशन, दिस इज करेक्ट. जैगोट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड. तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. कम टू क्वेश्चन नंबर 86 लाइफ बिगेन इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज अ सिंगल सेल जैगोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 87 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, तो एम्ब्रियोजेनेसिस यही होता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये भी आपका करेक्ट है. सेल डिवीजन डिक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो डिक्रीज नहीं होता इंक्रीज होता है. तो दिस इज द इनकरेक्ट वन. कम टू क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इट इज यूजुअली बायोपेरेंटल करेक्ट है. गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट है. इट इज अ स्लो प्रोसेस, करेक्ट है. इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस, नहीं मियोसिस. ऑफिस क्वेश्चन नंबर 89 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओवीपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सर्वाइवल एज कम्पेयर टू दोज इन विवीपेरस एनिमल्स बिकॉज प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट. एम्ब्रियो डज नॉट डेवलप कम्प्लीटली. प्रोजेनीज आर स्मॉल और ऑफ स्मॉलर साइज. जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट अकर, दिस इज द करेक्ट आंसर. प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट.
कम टू क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ओविपेरस एनिमल्स, फीमेल ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग एट अ सेफ प्लेस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जैगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर बर्ड्स एंड ऑलमोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एग लेइंग मैमल्स, नन ऑफ दिस, सो नन ऑफ दिस इज द, सारे करेक्ट आंसर्स हैं. डिपोजिशन ऑफ कैल्सीरियस सेल्स अराउंड जैगोट अकर्स इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दिस इज इम्पोर्टेंट वन. कम टू क्वेश्चन नंबर 92, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट वन, विवीपेरस एनिमल्स गिव बेटर प्रोटेक्शन ऑफ देयर टू देयर ऑफस्प्रिंग, करेक्ट है. स्टेटमेंट टू, इन विवीपेरस एनिमल्स यंग वंस आफ्टर रिटेनिंग अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ आर डिलीवर्ड आउट द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो दिस आंसर नंबर ए. सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज विवीपेरस एनिमल्स ओनली, तो काउ एंड क्रोकोडाइल इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि इसमें टर्टल है, लिजर्ड है, इसमें प्लेटिपस है, इसमें आपका वेल है, तो ये सारे जो है आंसर, दिस वन इज द करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, तो दिस क्वेश्चन, इसमें अलग से ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं, यू कैन लीव दिस. क्वेश्चन नंबर 95, विवीपैरिटी इज ऑल्सो फाउंड इन, इज फाउंड इन शार्क, शार्क में विवीपैरिटी, बाकी सब में ओविपेरस है. क्वेश्चन नंबर 96, ऑल्सो इट इज ओवो विवीपेरस है, पढ़ देती हूँ मैं. इन दीज एनिमल्स द फीमेल रिटेन द एग आउटसाइड द बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी विदाउट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एज द प्लेसेंटा इज एब्सेंट, सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओवो विवीपेरस एनिमल्स. कम टू क्वेश्चन नंबर 97, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेपल्स डू नॉट फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन अटैच टू द फ्रूट. हम जानते हैं सेपल जो है वो आपका कैलिक्स बन जाता है, तो आपने ब्रिंजल में देखा होगा ग्रीन, तो ब्रिंजल इज द करेक्ट आंसर, टोमेटो ब्रिंजल इन सब में रहता है. विच ऑफ द लेबल पार्ट टू द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टोमेटो फ्रूट इज आर डिप्लॉइड, एक्स एंड वाई बताना है, तो सीड, एक्स इज सीड डिप्लॉइड है, वाई इज पेरिकार्प, इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड. क्वेश्चन नंबर 99, रिफर टू द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ओवरी ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, एक्स एंड वाई बताना है, तो एक्स इज सीड एंड वाई इज पेरिकार्प, तो जो ये दोनों ही आंसर, दिस सी वन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 100, द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स पेरिकार्प भी फॉर्म करता है और फ्रूट वॉल, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर.